वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष एवं अध्यात्म से जुड़ी हुई अनेक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो जब लोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको जानकारी मिल सके। तो आइए काल सर्प योग के विषय में चर्चा करते हैं। जब एकादश स्थान में राहु और पंचम स्थान में केतु होता है तो विषाक्त नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में जातक अपनी आजीविका के लिए घर परिवार से बाहर जाता है। यदि घर में रहता है तो उसे सुख नहीं मिलता। घर परिवार से बाहर जाकर के वह व्यापार करता है तो उसे कुछ थोड़ा बहुत लाभ होता है और अपना परिवार का निर्वहन कर लेता है। भाइयों से विवाद, विशेष रूप से बड़े भाई से विवाद होता है। कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। नेत्र योग एवं हृदय रोगों का भी सामना करना पड़ता है, इससे वह पीड़ित रहता है। जीवन की यह लीला रहस्यमय रूप से समाप्त होती है। यह एक जो मृत्यु होती है तो मृत्यु एक रहस्यात्मक रूप से होती है, अर्थात बिना रोग के अचानक कहीं भी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो इस योग का को दूर करने के लिए आप शिव जी की आराधना करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें और गणेश जी की आराधना करें। पंचम स्थान में केतु और एकादश स्थान में जब राहु होता है, व्यापार बाधाएं, शिक्षा में कमी इत्यादि समस्याएं उत्पन्न करता है। तो भगवान शिव जी की आराधना, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आराधना करें। इससे इस योग में आपको शांति मिलेगी और सुख समृद्धि आपके जीवन में उदय होगी। तो 11 बेलपत्र एवं भगवान शिव जी को चढ़ा करके 11 शिव चालीसा के पाठ करें। दूर्वा चढ़ाएं गणेश जी को, लक्ष्मी जी की भी आराधना करें और गणेश चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें तो आपको सुख समृद्धि का अनुभव होगा। धन्यवाद।